प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश की नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च कर दी। नई एनएलपी पॉलिसी उसके कई फायदे बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस पॉलिसी के आने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूती मिलेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप। निरंजन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, ये लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है? दीपक जी, ये बहुत महत्व की बात है। 5 साल लगे हैं कि ये पॉलिसी को फाइनल किए हुए, पर मेरे अंदाज से जो उन्होंने ऐलान किया है उसमें बहुत से फायदे हैं। एक तो उनका मिशन, जो टारगेट है, वो बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स का जो अंदाज है, कॉस्ट है, वो लगभग 14% जीडीपी के ऊपर लागू होता है। मींस हम जब भी कोई भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर 14% एडिशनल लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है। इनका टारगेट अभी है कि वो सिंगल डिजिट में हो जाए, तो लगभग 8% तक पहुंचना चाहते हैं। उनके लिए ये पॉलिसी नियुक्त किया है, उसमें बहुत से बातें हैं कि उसको कैसे करें, लेकिन वो मींस की बात नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है कि हमारा कॉस्ट कम हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, और उसके लिए उन्होंने 7 मिनिस्ट्री के जुड़े हुए कमिटीज बनाए हैं। जीएसटी की जो फायदा रहा है, ऑक्ट्रॉय सब निकल गए हैं, उसके साथ रफ्तार बना दिया है कि हम कैसे करेंगे। मल्टी मॉडल कॉरिडोर ऐलान किया है, 40 लगभग का ऐलान किया है कि मल्टी मॉडल कॉरिडोर्स करेंगे, सेंटर्स करेंगे। वो मल्टी मॉडल नोड्स कैसे बनाएंगे? नोड्स ऐसे बनेंगे जहां रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और फिर वाटर ट्रांसपोर्ट भी उससे जुड़ जाएंगे। ये सब करने के बाद वो ये रफ्तार से चाहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि चीता जीते रफ्तार से वो ट्रांसपोर्ट भी लेना चाहते हैं। वो चीता को तो रिलीज किया एक थोड़े घंटे पहले, लेकिन वो चाहते हैं कि जो पॉलिसी अभी ऐलान किया है उसके साथ साथ में उसी रफ्तार से ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स हो जाए। उसमें काफी बातें हैं उन्होंने जो किया है, और मेरे अंदाज से वो बहुत महत्व की बात है। एक जो ग्रामीण भाग में है, काफी नुकसान होता है क्योंकि जो वेजिटेबल्स होते हैं, खाद्य होते हैं, वो लोगों को पहुंचाते पहुंचाते वो सड़ जाते हैं। तो ये इससे जो है थोड़ा सा तेजी आएगी कि तेजी से लोगों को सामान मिलेगा, जो माल ढुलाई कम होगी और समय कम होगा, उस बचत का फायदा मिलेगा। निरंजन सर, लेकिन रोजगार के लिहाज से ये पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट आपको लग रही है? संभावनाएं कितनी आप देख रहे हैं इसमें? जब भी एफिशिएंसी आप बढ़ाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं, सेंटर्स और ग्रोथ सेंटर्स बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। एक बार आप कॉम्पिटिटिवनेस आपके बढ़ जाए तो आप एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपका कॉस्ट है। जैसे गिना जाता है कि चाइना में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो लगभग 7.5% है, और इसलिए उन्होंने पहले कहा है कि ये हमें एटलीस्ट 14 से 8% तक लेके आना है। तो ये सब जब टारगेट करते हैं तो हमारी जो इंटरनेशनल पोजीशन है कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो हम और मैन्युफैक्चर करके और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या कुछ भी आइटम्स हम पहुंचाते हैं तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। कहां भी कोई भी आइटम्स लें, कंस्ट्रक्शन के आइटम ले, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आइटम ले, स्टील है, सीमेंट है वगैरह है, ये सब आइटम्स पहुंचते पहुंचते खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो कम हो जाएगा एक बार। और उसके लिए उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। तो जो चाहते हैं कि इंटर मिनिस्ट्री जो बात करते हैं, उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। जैसे उन्होंने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म किया है, ULIP, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स किया है, ELOG, और सेटिंग अप सिस्टम्स इंप्रूवमेंट ग्रुप SIG, उसमें 7 मिनिस्ट्री साथ में जुड़ के ये काम करना चाहते हैं, और हर स्टेट को भी एक लोकल बॉडी क्रिएट करते हैं जहां वो भी
सरीक में रहेंगे, इसको लॉजिस्टिक्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सके। तो ये सब करते करते मेरे अंदाज से जो होगा ऑटोमेटिकली अपने बिजनेसेस सगले इम्प्रूव हो जाएंगे और इमीडिएटली उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। बिल्कुल, एक और सवाल मेरा ये होगा निरंजन सर कि इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें कितना इंटरेस्ट लेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर में जाने के लिए, और इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा आता हुआ आप देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो बढ़ी गया है, आप देखेंगे इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग प्लेटफॉर्म सब किए, हमारी कंपनी भी ब्लैकस्टोन के साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म किया है, हम 4 पार्क्स तो इमीडिएटली कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स हम बना रहे हैं, तो मेरे अंदाज से इसका रफ्तार और बढ़ जाएगा और भी इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएंगे। जब मल्टीपल वेयरहाउसेस लोग लगाते थे, अब क्योंकि तेजी रफ्तार से हम डिलीवरी कर सकते हैं तो इसलिए कम वेयरहाउसेस और ज्यादा एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड वेयरहाउसेस बनेंगे, ये लॉजिस्टिक सेंटर्स हो जाएंगे तो वो सब पहुंचेंगे। ई कॉमर्स काफी कोविड के बाद बढ़ोतरी हुई है दीपक जी, और अभी मैं समझता हूँ कि डिलीवरी और भी तेजी से होती है, तो आप समझिए जो रफ्तार से आज डिलीवरी हो रही है ई कॉमर्स की, आप आगे के समय में 1-2-3 साल के अंदर देखेंगे कि उसकी और भी रफ्तार रहेगी। तो ये सब जब आप एफिशिएंसी देखेंगे, कॉस्ट कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये लॉजिकल है। सिर्फ हमें उन्होंने दूसरी बात कही, वो दीपक जी ज्यादा महत्व की बात है, उन्होंने कहा पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इक्वल्स टू सक्सेस। पॉलिसी तो बना दी, अभी स्टेट सेक्टर, केंद्र के सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसको जुड़ के परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और ये दोनों मिलेंगे तो ही सक्सेस होगा। पॉलिसी सक्सेस वैसे नहीं होती, हरेक का इसमें जुड़ के इसको सक्सेस बनाना है, प्राइवेट सेक्टर को भी शरीक होना है, गवर्नमेंट सेक्टर को तो करना ही है। बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर ही निर्भर है। बिल्कुल, जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी, इसलिए साफ तौर पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पॉलिसी अपने आप में ठीक है लेकिन उसके साथ जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। एक और अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि एज ए हीरा नंदानी ग्रुप लॉजिस्टिक सेक्टर में आपकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी आपने कर रखी है, जो अगले 4-5 साल का क्या विजन लेके चल रहा है? हम समझते हैं कि लगभग हमारे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम 50% गिनते हैं, कि इस सेक्टर में बाकी के सेक्टर में 15-20% बढ़ोतरी होगी, लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर में, वेयरहाउसिंग में, इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में लगभग 25-30% डेफिनेटली बढ़ोतरी होगी, और हम इतना इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी नई लॉजिस्टिक पॉलिसी देश के लिए एक अलग ही गेम चेंजर साबित हो रही है, रोजगार के मौके तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके अलावा बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की भी उम्मीद जता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निरंजन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और